गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, आ रहे हैं हमारे बप्पा जी, तो उनके स्वागत के लिए मोदक बनाना तो है बहुत ही ज़रूरी। चलिए मज़ेदार से मोदक की रेसिपी को शुरू करते हैं। उकड़ी चे मोदक, चावल के आटे के मोदक, नारियल वाले मोदक, जो कह लो जो आप कहते हो ये मोदक बस वही है। यहाँ पे मोदक बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को ले लेना है, उसके ऊपर की जो छिलके होते हैं उसको पूरी तरीके से उतार देना है। एक कढ़ाई, टोप, बर्तन जो भी हो आपके पास वो ले लीजिएगा। उसमें पानी को अच्छे से हम बॉईल करेंगे, उसमें डालेंगे नमक, और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच घी, बिल्कुल घर का देसी घी, दानेदार वाला। और कैसे घी बनाते हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से रख दूँगी, चेक करिएगा। यहाँ पे चावल का आटा जो है वो मैंने इसमें जब पानी में बॉईल आने लगा तब यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से अब हम लोग घुमा घुमा के बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, जिससे कि आटा जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने जो नारियल पीस के रखे थे, एक दूसरे पैन में मैंने घी गरम कर लिया, उसके बाद डाल दिया ये पीसे हुए नारियल। देखिए अगर आपको अखा नारियल नहीं मिले, आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपके घर में अगर नारियल का बुरादा जो रेडीमेड आता है वो बारीक घिसा वाला, वो आप ले लीजिएगा। और अगर आपको घिसने आता है घिसनी पे जो हमारे ऊपर जिसके कटर लगे होते हैं जिससे नारियल को घिसा जाता है, अगर आपके पास वो ग्रेटर हो तो आप ज़रूर उससे घिसिएगा, नहीं होगा तो मिक्सी में आप मेरी तरह कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है गुड़, गुड़ के टुकड़ों को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था ताकि वो ईजिली गल जाए। इसके बाद इसमें डाल देना है 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब खसखस, और यहाँ पे मैंने डाले हैं काजू और थोड़े से पिस्ता, और अब मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। सारी चीज़ों को देखिए मैंने गुड़ जब तक हमारा पिघल रहा है साथ ही साथ, और ये सारी चीज़ें भी अच्छी तरीके से भून पक जाएंगी। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर इलायची पाउडर आपके पास नहीं है तो शक्कर और इलायची ले लीजिए और मिक्सी में उसे 2 मिनट के लिए घुमा दीजिए, आपका इलायची पाउडर बिल्कुल रेडी है। सो बस यहाँ पे ये देखिए गर्मा गर्म हमारी मोदक की स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। इसे थोड़ा सा इस तरीके से ना गीला गीला ही रहने दीजिएगा, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे आटे की तरफ। तो आटा देखिए जब मैंने इसको रख दिया था ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे हाथों से, मतलब एकदम मसल के अच्छे तरीके से इसको हम लोग आटे को गून लेंगे और इस तरीके के पेड़े बना के देखेंगे कि हमारा जो मोदक का आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पे देखिए स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, मैंने घी ले लिया था, सांचे में मैंने जो है इस तरीके का ये जो मोदक का सांचा आता है वो आपको ईजीली मार्केट में मिल जाएगा, तो ये ले लिया है, उस पर लगा लिया है। एक बार ही मैंने घी लगाया, उसके बाद मुझे घी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मोदक ईजीली अपने आप निकल जा रहा था क्योंकि आटे में भी घी है और हमारा स्टफिंग भी तो इजीली रिमूव हो जाएगा, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे ना एक आटे की गोली बना के उसमें डाल दीजिए सांचे में, फिर उंगली से बीच में उसमें जगह बनानी है और उसमें फिर स्टफिंग भरनी है, फिर उसके जो ऊपर का कोट है उसको कवर कर देना है जिससे कि यहाँ पे इजीली वो पूरा अच्छे तरीके से पैक हो जाए। और अब हम इसे ओपन करेंगे और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा आसानी से हमारा मोदक जो है वो बन के तैयार हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया है, ऐसे ही ऐसे मैंने ढेर सारे मोदक जो है वो बना के तैयार कर लिए हैं। मोदक आजकल तो बहुत तरीके से मिलते हैं यार, बनाए भी जाते हैं मावे के, रवा के, ओरियो बिस्किट के, और भी तरह तरह के। पर सच बताऊँ मेरा ये मोदक जो ये हमारा मतलब एकदम चावल के आटे वाला जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जब भी जितना भी मन करे आप उतना इसको खा सकते हो, ऐसा है इसका स्वाद। यहाँ पर मैंने आपको हाथ से भी मोदक बनाने का जो प्रक्रिया है वो बताया है, तो आप ज़रूर से
देखिएगा और ज़रूर से उस तरीके से बनाइएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक केले का पत्ता मंगा लिया था मार्केट से, मतलब मैं ले आई थी, मुझे मोदक बनाना था। तो इसमें जब आप मोदक को पकाओगे ना तो बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है मोदक में उस पत्ते के साथ जब ये मोदक पकता है, तो ज़रूर से लीजिएगा। तो और काफ़ी अच्छा भी लगता है, और बप्पा के लिए बना रहे हैं तो इतना तो हम कर ही सकते हैं यार। बस यहाँ पे मैंने ना केसर ले लिया था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहो तो आप ज़रूर से केसर लगाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरी बच्ची ने भी एक मोदक बनाया था, तो उसने कहा मम्मा मेरा भी मोदक रख दो, तो आप साइड में देख सकते हो उसका भी मोदक यहाँ पे प्यारा प्यारा सा उसके छोटू छोटू हाथ से बनाया हुआ रखा हुआ है। यहाँ पे 10 मिनट तक हम स्टीम देंगे और आप देख सकते हो केसर का कलर और हमारा मोदक बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया है। तो एक बार फिर से कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया। सो बस उनके स्वागत की तैयारी जो है वो मैंने तो कर ली है, आपने किस तरीके से की है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बप्पा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। बप्पा मोरिया।